नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने कहा कि पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था, किसानों, मजदूर और कॉरपोरेट्स की सुनती है सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किया जाएगा 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश। एमपी में गेहूं खरीद पर किसानों के बोनस को लेकर विपक्ष का हंगामा। कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा केंद्र नहीं दे रहा बोनस, देकर गेहूं खरीदने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने नहीं मानी सेंट्रल पूल में धान का कोटा बढ़ाने की छत्तीसगढ़ की मांग। इस साल भी 24 लाख टन चावल ही लेगी केंद्र सरकार। धान खरीद पर बोनस ना देने की शर्त भी लगाई। और मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसकी तैराकी और मछली पकड़ने का हुनर आपको कर देगा हैरान। फिशरमैन के नाम से हो रहे हैं मशहूर। बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। यहां गेहूं किसानों को बोनस देने के मुद्दे पर गुरुवार को विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों को मिलने वाला बोनस राशि रोकने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाई जा रही शर्तों को जिम्मेदार बताया है। राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने बजट में गेहूं की सरकारी खरीद पर किसानों को 160 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का प्रावधान किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बोनस देने पर राज्य से गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने से इनकार कर दिया है। देखिए, सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आई, जहां पर उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि अगर आप किसी प्रकार का बोनस, और ना सिर्फ बोनस बल्कि अगर प्रोत्साहन के नाम से भी अगर कोई राशि आप किसानों को वितरित करते हैं, तो हम आपका जो उपार्जन है वो उस उपार्जन की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में हम कमी करेंगे। वैसे ही जो है केंद्र सरकार ने जो पहले कमिटमेंट करा था, उस कमिटमेंट से लगभग 7 लाख मेट्रिक टन जो है गेहूँ जो है हमसे और हमारी सरकार से उन्होंने उपार्जन नहीं किया, जिससे कारण लगभग प्रदेश सरकार के ऊपर 1400 करोड़ से अधिक का जो है बोझ सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, ये बताएं कि गेहूं के बोनस को लेकर इतना हंगामा क्यों? देखिए, गेहूं के बोनस को लेकर हंगामा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में किसानों को बोनस देने की बात कही थी। पूर्व की शिवराज सरकार भी बोनस देती थी, लेकिन जब मोदी सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी तो उसके बाद से लेकर लगातार ये स्थितियां बदली। इसी बीच में मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई। अब विपक्ष का ये कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को बोनस नहीं दे रही है गेहूँ खरीद पर, और कांग्रेस की वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार का ये कहना है कि मोदी सरकार ने सीधी गाइडलाइन बना दी है कि अगर आप बोनस देंगे तो फिर हम आपसे पूरी क्वांटिटी का गेहूं नहीं ले पाएंगे, और इसी के चलते लगभग 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश से कम खरीदा गया, और इसी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार पर वो अतिरिक्त बोझ पड़ा। अगर अब बोनस के अलावा किसी और नाम से भी ये किसानों को प्रोत्साहन राशि का, जैसे पूर्व में सरकार कोशिश कर रही थी कि प्रोत्साहन राशि के तौर पर किसानों को एडिशनल बेनिफिट दें, तो उसको लेकर भी मोदी सरकार को आपत्ति है। ऐसे में एक तरफ तो मोदी सरकार इन बातों पर आपत्ति कर रही है कि प्रदेश अपने स्तर पर बोनस ना दें, क्योंकि अगर प्रदेश अपने स्तर पर बोनस देते हैं तो फिर MSP से जुड़ा जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है केंद्र सरकार द्वारा है, उसको लेके अलग अलग राज्यों में गफलत की स्थिति बनती है, और इसी वजह से सीधे तौर पर बोनस देने पर रोक मोदी सरकार लगाने को कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रही कि आप बोनस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यानी एक तरफ अपनी ही शर्तें हैं और दूसरी तरफ इसी को लेकर हंगामा मच रहा है, यानी पूरी की पूरी सियासत हावी है। निश्चित तौर पर सियासत ही हावी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो कांग्रेस पार्टी का कहना है, सरकार का कहना है,
बल्कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी यही कहा है कि भाई अगर आपके इतने सांसद मध्य प्रदेश से 28 सांसद हैं, आप मोदी जी से कहिए कि हमें, हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ये मांग रहे हैं कि अगर हम अपने किसानों को बोनस देना चाहते हैं तो हमें उसकी परमिशन दी जाए, उसको लेकर कोई शर्तें लागू ना की जाए। अगर केंद्र से शर्तें लागू होती हैं तो उसमें भी हमें नुकसान है, अगर हम किसानों को पैसा नहीं देते हैं तो भी हमारी छवि को नुकसान है, और ऐसे में विपक्ष राजनीति भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार घिर रही है। लेकिन सरकार सीधे तौर पर अब यही कह रही है कि केंद्र की सरकार परमिशन दे दे तो हम बोनस देने को तैयार हैं। सचिन, ऐसे में ये बताएं कि पिस तो किसान रहा है, तो क्या किसान को इस राजनीति का इल्म है? देखिए, किसानों के सामने तो सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष अपने दावे कर रहा है। विपक्ष का चूंकि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी और जब तक मोदी सरकार ने ये नियम लागू नहीं किया था, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को बोनस देती थी, तो अब विपक्ष इस बात को इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश में है कि शिवराज सरकार किसानों को बोनस देती थी, कमलनाथ सरकार नहीं दे रही है, बल्कि जो बीच की जो शर्त है जो केंद्र की सरकार से द्वारा लगाई गई है उसको विपक्ष आगे नहीं कर रहा है। तो अब सरकार को भी अपनी मजबूती के साथ इस बात को किसानों के सामने रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद अब सरकार इस मुद्दे को किसानों के बीच ले जाएगी कि आखिर किन वजहों से वो बोनस नहीं दे पा रही है, और दूसरी भी कुछ जो कोशिशें हैं सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने की, वो भी सीधे तौर पर कहा गया है कि आप दूसरी किसी जरिए से भी ये बोनस नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है इसकी भरपाई किसी और तरीके से करने की कोशिश कमलनाथ सरकार करेगी, और वो उस पर भी तब कर पाएगी जब मोदी सरकार को इस पर बड़ी आपत्ति ना लगाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं के खेतों में पानी भरने से पूरी की पूरी लागत डूब गई है। इससे परेशान किसानों की आंखों में आंसू छलक आ रहे हैं। वो क्या मरता है, क्या कहूँगा, मरता ना कहा जाएगा मैं। देखिए, पानी भर गया डांगर मारे, वो क्या मन लाग रहे, क्या करें बता। गवर्नमेंट इज इंडिया, सरकार खत्म है, सिस्टम बैन। भूखे मर रहे हैं हम लोग, क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, बताओ क्या करें। आंखों से छल के आंसुओं के साथ ये सवाल है हरियाणा में रोहतक के किसान काला के, जो गेहूं के खेतों में बेमौसम बारिश से पानी भरा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। बारिश ने पहले धान की और अब गेहूं की फसल चौपट कर डाली है। तीन मरस हो रही, भूखे मर जाएंगे, क्या खाएंगे बता। तो ये कितना, ये सारा बारिश का पानी है? बारिश का पानी, सारा बारिश देगी, इतना पानी खड़ा आपको दिख रहा है बता। गेहूं बोए दे, गेहूं भी मर गए, डीएपी खाद गया, यूरिया गया, डीजल गया, ट्रैक्टर का तेल गया। अच्छा, अब क्या करें जी बताओ। पूरा नुकसान है, फसल पिछली भी गई, धाना की भी गड़गी माए, और यार गेहूँ भी नहीं बूरिया। नुकसान हो रहा है जमींदारों का जी, धान तो खराब हो ही गए, आगे गेहूँ भी नहीं बूरे हैं जी, और आगे भी नहीं बोएंगे जी गेहूँ, तो अभी अगर बारिश होगी तो गेहूँ तो बोना ही नहीं जीप के। जिले में बीते साल 1,05,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 1,00,000 हेक्टेयर में ही गेहूं की बुवाई हो पाई है। जाहिर है कि बारिश से अगर खेतों में जलभराव हुआ तो खेत के सूखने तक गेहूं की बुवाई का समय निकल जाएगा। ऐसे में किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अधिकारी गेहूं की लेट किस्मों को बोने की सलाह देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। 75 किस्म की जो सिफारिश की गई है, उन किस्मों का चुनाव करें जिसमें WH 1124 है और एक राज 3765 वैरायटी है। ये ऐसी वैरायटियां हैं जो अगर हम 75 भी बिजाई करते हैं तो भी इनका पैदावार अच्छी आती है। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए पूरे देश में PM फसल बीमा योजना लागू है। बावजूद इसके मौसम की मार झेलने वाले काला जैसे किसानों को आखिर इसकी सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आंकड़े भले ही आर्थिक मंदी गहराने के संकेत दे रहे हों, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 5-6 साल पहले त्रासदी की ओर बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने का दावा किया है। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और कॉरपोरेट जगत सभी की बातें सुनती है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 साल में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है।
भारत 192 स्थान से छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। माफ कीजिएगा, भारत 142वें स्थान से छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश से $5 ट्रिलियन का लक्ष्य मिलने की उम्मीद जताई। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए का निवेश, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25,00,000 करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला 3,50,000 करोड़ रुपए का निवेश इसे नई शक्ति का संचार करेगा। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गांव को नजरअंदाज करके $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नहीं हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बीते 5 साल में मनरेगा जैसी योजना का बजट 38,000 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का दावा किया। हालांकि इन तमाम दावों के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। ट्रैक्टर और दोपहिया से लेकर घरेलू इस्तेमाल की चीजों तक की मांग घट रही है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय और कृषि मजदूरी में गिरावट को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार ने अब तक जितने भी उपाय किए हैं उसमें ग्रामीण भारत को कोई खास महत्व नहीं मिला है। ये अलग बात है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी जैसे अर्थशास्त्री आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का बजट बढ़ाने की जरूरत बताते रहे हैं। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा तफसील से जानकारी जुटाते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। एक तरफ मोदी जी का ऑल इज वेल कृषि मंत्री, दूसरी तरफ जो तोमर जी हैं उनका कहना है कि कृषि में निवेश की जरूरत है और कॉर्पोरेट्स के मुकाबले जो समानता है उसको लाने की जरूरत है। क्या आपका रिएक्शन है जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने, मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों मजदूरों और कॉरपोरेट जगत सबकी बातें सुनी हैं, हम सुनते हैं? मुझे लगता है कि कृषि मंत्री तोमर साहब ने जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने खेती और ग्रामीण इलाकों की अनदेखी की तो भारत जिस आशा के साथ या जिस अपेक्षा के साथ बैठा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होगी वो पॉसिबल नहीं है। और वो साफ नजर आ रहा है कि अभी एक हाल में एक NSSO का सर्वे जो आया है जिसमें, जिसको सरकार ने तो खारिज किया है, लेकिन उसने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर कैपिटा जो आदमी के पास पैसा है खर्चने के लिए वो 580 रुपये पर मंथ है, यानी 19 रुपये प्रतिदिन ही खर्च पाता है वो अपने भोजन के ऊपर। इसका मतलब साफ है कि खेती क्या और रूरल एरियाज के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो कितने गंभीर हैं ये हमारे सामने है। होना ये चाहिए, सरकार कहती है कि हम ग्रामीण इलाकों की और खेती की और कॉर्पोरेट की इकट्ठे एक ही बराबर की बात उनकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अगर हम देखें जो पिछले दिनों में स्लो डाउन के ऊपर जो भी स्टेप सरकार ने 32 कदम लिए हैं, जो हमारी वित्त मंत्री ने कई बार कहा है पार्लियामेंट में, वो 32 के 32 कदम जो है वो सारे कॉर्पोरेट के फोकस्ड है और एक भी कदम अभी तक ऐसा नहीं लिया गया जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित हो। जिसमें पर अभी भी, कल भी, परसों भी, और हम देखें पीयूष गोयल जी ने बैठक की 25 जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके साथ की है, सारा का सारा फोकस हमारा ये है कि कॉर्पोरेट को कैसे छूट दी जाए। और वो हमने देखा है कि जैसे ही कॉर्पोरेट को 1.5 लाख करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो कटौती की गई है उसका जो सेलिब्रेशन था वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे हुआ, और आज भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा
उछल रहा है और जबकि इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है। इसका मतलब साफ है कि जो हमारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट के ही बेनिफिट के लिए ध्यान दिया गया है और बाकी देश का जिसमें रूरल क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका ध्यान नहीं दिया। एक और बात सामने रखना चाहूंगी कि किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है क्या? हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसानों की बात सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, मगर अगर देखें आंकड़ों की ओर कि 2016 के बाद से तो आत्महत्या तक के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। 2016 के हिसाब से 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो अगर कोई आंकड़ा अपडेटेड नहीं है सरकार के पास तो कैसे वो नीति बनाएंगे और कैसे वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सबको एक समान अधिकार देते हैं, एक समान उनकी बातें सुनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके तहत मुझे याद है जब निर्मला सीतारमण जी कॉमर्स मिनिस्टर थी तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने 7000 कदम लिए हैं छोटे और बड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए। और उसके बाद भी आज अखबारों में है, कल जो मीटिंग हुई है निर्मला सीतारमण के साथ जो कॉरपोरेट घरानों की, वो अभी और स्टेप्स लेना चाहते हैं ताकि सब कुछ ही खोल दिया जाए कॉरपोरेट्स के लिए। लेकिन मैंने इतने दिनों से मैं मांग कर रहा हूं कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग क्यों नहीं है। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का मतलब यह है कि किसान को हर स्टेप के ऊपर गवर्नेंस के इश्यूज हैं या इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं या जो जो उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, वो इश्यूज हैं, क्रॉप के जो इंश्योरेंस है उसके प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टेप पे उनका प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो किसानों के हैं वो एड्रेस किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार का फोकस तो सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ही है। आप देखें वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कितना जंप लिया है, 142 से रैंकिंग से अब हम 63 पे आ गए हैं, लेकिन कभी बताया कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग भी होनी चाहिए जहां पर हम ये जंप ले सकें। जी। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस ही सारा सरकार का जो है कॉर्पोरेट का, हम ये मान के ही चलते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस जानकारी के लिए। तो देवेंद्र शर्मा जी इस बात को वैलिड पॉइंट को सामने रखते हुए कि जिस तरह से एक फोकस की ज़रूरत है ग्रामीण भारत में, वो फोकस कहीं और ही है, कॉरपोरेट्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ये क्लियर है, ये बात पुरजोर तरीके से देवेंद्र शर्मा जी ने यहाँ रखी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए हमीरपुर के हैरत अंगेज फिशरमैन का अनोखा हुनर। Why you don't trust your own people? Why the Indian people has to prove their identity? Today it has proved they want to also India to be a Hindu Rashtra, similar to the Islamic Rashtra of Pakistan and Bangladesh. इस समय जो माहौल है असम का वो क्या है? People are on the streets. That's why people consider it is just like a battle for just to do and die. Both Home Minister Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi have been saying that nobody needs to fear. Forget about Muslims. You see, out of 19 lakhs people left out, about 12 lakhs are Hindu who are genuine Indian citizens. So your NRC has left out your own people. देखिए on record. असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने धान की खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया तो केंद्र ने राज्य से सेंट्रल पूल में धान लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद बातचीत विरोध का लंबा दौर चला, लेकिन अब केंद्र ने चिट्ठी लिखकर धान खरीद की मंजूरी दे दी है मगर शर्त के साथ। धान खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच खींचतान अब भी जारी है। प्रदेश में किसानों से धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने के ऐलान के बाद केंद्र ने सेंट्रल पूल में चावल लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब केंद्र ने चिट्ठी लिखकर
24 लाख टन चावल खरीदने को मंजूरी दे दी है, लेकिन बिना बोनस दिए धान की खरीद करने की शर्त पर। छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना सिर्फ 24 लाख टन चावल लेने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ जो शर्तें लगाई गई हैं वह ठीक नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसान विरोधी है। भाजपा के किसान विरोधी रवैये का यह शर्तें जीता जागता सबूत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का वायदा कर रखा है, यानी प्रति क्विंटल 1815 रुपए की एमएसपी के साथ 685 रुपए बोनस। बघेल सरकार ने इसके बाद केंद्र सरकार से सेंट्रल पूल में 32 लाख टन चावल लेने की मांग की थी। सीएम बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन जब केंद्र ने रियायत नहीं दी तो बघेल सरकार ने 1 दिसंबर से 1815 की एमएसपी पर धान खरीद शुरू कर दी और किसानों को बोनस का पैसा दूसरे तरीके से देने की बात दोहराई है। लेकिन बीजेपी बोनस को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साध रही है। किसानों को बरगलाना बंद करें। अब किसान अब ये जानना चाहते हैं कि समर्थन मूल्य में जो 2500 रुपए का इन्होंने चुनाव में जो समर्थन मूल्य में खरीदी की बात कही थी, उसका डिफरेंस अमाउंट किसानों के खाते में कब जाएगा। जो कमेटी इन्होंने बनाई थी कि एक योजना के तहत योजना बनाया जाएगा और कमेटी बनाने की इन्होंने जो बात कही थी, उस कमेटी के सदस्यों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 85 लाख टन धान खरीद करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल है कि अगर केंद्र ने सेंट्रल पूल में 24 लाख टन ही चावल खरीदने का फैसला किया तो राज्य सरकार बाकी के चावल का आखिर क्या करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेन्द्र गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और धान खरीद के ही मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार में सरकार के मोहम्मद अकबर से बातचीत की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गिरी ने। मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री। सर, आधा हकीकत आधा फसाना, जो बोला वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब आगे क्या एक्शन रहेगा? देखिए, धान के बारे में मैं आपको अभी बताया कि पहले जो चिट्ठी आई थी भारत सरकार से, उनका कहना था कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जितना चावल आप बांटेंगे उतना ही धान आप खरीदेंगे। 100 किलो धान में 67 किलो चावल होता है। 25 लाख मेट्रिक टन हमको चावल की ज़रूरत है पीडीएस में वितरण करने के लिए, उसका धान होता है 38 लाख मेट्रिक टन। हमारा लक्ष्य है 85 लाख मेट्रिक टन का। अब 38 लाख मेट्रिक टन की खरीदी का तो अनुमति पहले से है, बच गया 47 लाख। उसके लिए हमने 32 लाख मेट्रिक टन मांग की थी कि सेंट्रल पूल में हमारा जमा करो, वो लगातार इनकार करते रहे। अब आ गया 24 लाख मेट्रिक टन की अनुमति, तो उतना हम जमा करेंगे, लेकिन 32 लाख मेट्रिक टन का हमारा मांग जारी रहेगा। सर, वोटिंग के दो दिन पहले लेटर आया, क्या देखते हैं? देखिए, वोटिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ये वोटिंग के पहले ही लेटर आए तो ये कांग्रेस की सफलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, कई बार दिल्ली गए, माननीय खाद्य मंत्री जी कई बार दिल्ली गए, और उन्होंने माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और माननीय खाद्य मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की, लगातार मांग करते रहे, उसका परिणाम आया, 14 लाख लोग चिट्ठी भिजवाए, तो ये सब चीज़ों का परिणाम है। तो ये बात है जो सीधे तौर पर है कि नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 21 दिसंबर को होनी है, ठीक उसके पहले जिस प्रकार से धान को लेकर एक नई बहस छत्तीसगढ़ में छिड़ रही है, जाहिर सी बात है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो मांग को लेकर जो बातें असमंजस रहा है वो लगभग अब भी कायम है, और छत्तीसगढ़ सरकार इस पूरे मसले पर अपनी बात आगे भी मजबूती से रखती रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना या कर्ज माफी का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। किसानों ने गेहूं चना उस पर बोनस देने की भी मांग उठाई है। किसानों ने अपनी 21 सूत्री मांगे न पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। केंद्र में भाजपा सरकार है, वो 6000 रुपये सम्मान निधि दे के ढिंडोरा पीट रही है कि हम किसानी को लाभ का धंधा बना देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और वो बोल रही है कि हम 2 लाख के कर्जा माफ़ कर देंगे, जो कि कहीं से आता पता नहीं है। हम इन दोनों सरकारों को इस क्रांति यात्रा के माध्यम से चिताने आए हैं कि आपको किसान हित में नीति बनानी पड़ेगी, मजदूर हित में नीति बनानी पड़ेगी।
मछली पकड़ते तो आपने बहुत से मछुआरों और आम लोगों को देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक युवक के पास मछली पकड़ने का एक ऐसा हुनर है जिसकी चर्चा दूर दराज के इलाकों में भी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लगाई छलांग, ये खाया गोता और आ गई हाथ में मछलियां। चौंक गए ना इस शख्स को बिना जाल के यूं मछलियां पकड़ता देखकर। गोता लगाकर हाथ और मुंह में मछलियां पकड़ने में महारत रखने वाले इस युवक का नाम सुघर निषाद है, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं। नहीं तो मैं नदी में जैसे दोस्तों के साथ में आता रहा, नहाता भी रहा यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से मछली पकड़ना भी सीखा तुमने पानी में। हमीरपुर से बहने वाली यमुना नदी में भले ही मछुआरों के जाल में मछली ना आए, लेकिन सुघर ने अगर गोता लगाया है तो उनके हाथ में मछलियां आना तय है। इसी वजह से आसपास के लोग इन्हें अब फिशरमैन के नाम से बुलाने लगे हैं। कोई नाव से कहीं पुल से कूद गया, कोई गिर गया, कोई डूब गया तो बुलाते हैं इसी को निकालने के लिए। पुलिस वाले हो कोई भी हो, इन्हें बुलाते हैं, जाके निकालते हैं, मदद करते हैं सभी की। कोई आजू बाजू कोई गांव में है ही नहीं इनके पास किसके ऐसे पकड़ने वाला न रुकने वाला कोई। बचपन से ही ये अनोखा करतब दिखाने वाले सुघर को अगर तैराकी की पेशेवर ट्रेनिंग मिल जाए तो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को एक होनहार तैराक मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से विनीत तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।